अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम हसन है। मैं आपको नहीं जानता बेटा, यहां से चले जाइए आप। अकल एक मिनट जवाब करिए। आपसे मैंने कहा बेटा कि आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए, मैं एक बाइज्जत आदमी हूँ, मेरा कोई बेटा नहीं है जो आपको गरेबान पकड़ सके। इस उम्र में मुझे किसी आजमाइश में मत डालिए। बाबा मुझे बात करना है। अंदर आओ। और कितना तमाशा बनाओगे मेरा, कहीं तो इज्जत रहने दो। आखिर हुआ क्या है ये तो बताओ। ये तुमने अपने बाप से नहीं पूछा? ये कैसे बात कर रही हो तुम? तुम्हारे बाबा ने उन्हें घर से निकाल दिया। और क्या करता है बेटी का बाप, जब कोई उसे मुंह पर कहे कि आपसे अपनी बेटी की तरबियत हो ही नहीं पाई। तुम्हारे अब्बा यहां रिश्ता जोड़ने आए ही नहीं थे, वो तो ये बताने आए थे के दस्तयाब माल उनके शायाने शान नहीं है। तुम्हारे बाप का बस चले ना तो वो सड़क किनारे अपनी दौलत का ढेर लगाकर उस पर बैठ जाए और हर आने जाने वाले पर थूकते रहे। हसन, तुम यहां अपनी नाक भी रगड़ोगे ना तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा ना। तुम मुझे पहले ही मेरे माँ बाप के सामने बहुत जलील करा चुके हो, आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। फरीद, फरीद चले। क्या हुआ? चल के देखे, वो दरवाजा नहीं खोल रहा, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। कुछ नहीं कर, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, बैठो। कर लिया जो करना था। क्या बिगाड़ा था उसने आपका? बिगाड़ी तो दिया है। मेरी औलाद मेरे सामने खड़ी होकर बदतमीजी कर रही है। नहीं हूं मैं आपकी औलाद, लावारिस हो गया हूं मैं। खैर, वारिस तो अब आपका भी नहीं रहा। उम्र भर तरसेंगे मुझे देखने के लिए, लेकिन मैं नहीं मिलूंगा। हसन,
हसन बेटा हसन, रुक जाओ मेरा बच्चा, रुक जाओ, नहीं जाओ, देखो 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 ना बेटा, ऐसे पागल मत बनो, कोई इस तरह अपना घर छोड़कर जाता है? नहीं, कुछ तो ख्याल कर लो, मेरा ही ख्याल कर लो, मत जाओ। इस तरह तुम्हारा बाप और तुम्हारी बहन अना की जंग जीत जाएंगे, नुकसान तो मेरा होगा। बेटा मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं अनाया से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। बेटा मान लो ना मेरी बात, देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पांव पड़ जाऊंगी। Thank you.